नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। सो ये हमारी न्यू पिकअप का रीडिंग है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेके क्या बातें चल रही हैं, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, उनके थॉट्स, उनके करंट स्टेज। सो ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, ये पर्सन वो हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। ये आपके कोई एक्स हो सकते हैं, आपके करंट बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कोई भी हो सकते हैं। सो हमारे पास तीन एंजल नंबर हैं। पहला एंजल नंबर है एंजल नंबर 12, और दूसरा ऑप्शन है एंजल नंबर 9797, और तीसरा ऑप्शन है एंजल नंबर 1818। सो आप इन तीनों एंजल नंबर पे मेडिटेट कर सकते हैं। 5 मिनट पॉज करिए, और जो भी एंजल नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें आप उसी पाइल को चुनिए। तो थोड़ा सोच समझ के चुनिएगा। आप 5 मिनट मेडिटेट करें, शांत हो जाएं, उसके बाद ही ऑप्शन चुनें। सो ठीक है, जिसने पहला ऑप्शन चुना है यानी कि एंजल नंबर 12 को, देखते हैं कि वो आपके बारे में इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। सो पहला कार्ड है द प्रिंस कार्ड, द सन कार्ड। ये जो पर्सन है आपके बारे में सोचते हैं कि आप एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योर पर्सन है, एक ऐसे पर्सन जो इमोशनली मेंटली मैच्योर हैं। आपका एक स्पिरिचुअल लेवल है, आप एक मैच्योर है कि आप एकदम सही डिसीजन मेकिंग करते हैं, आप सही रास्ते पे जाते हैं। सो ये जो पर्सन है आपकी बहुत ज़्यादा दिल से रिस्पेक्ट करते हैं और आपको एकदम मैच्योर टाइप में देखते हैं, जैसे कि एकदम एकदम लीडर वाले फॉर्म में देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लीडर हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा लेते हैं, आप स्टेबल हैं। सो पहला ये है कि इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। दूसरा कार्ड है द सेक्रीफाइस कार्ड, द वॉरियर कार्ड। सो ये जो पर्सन है आपके बारे में सोचते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो सेक्रीफाइस करते हैं रिलेशनशिप में। आपने इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, उनको अपना टाइम, अटेंशन, प्रायोरिटी दी है। सो आप एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, और आप एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, जैसे कि इस कार्ड में दिख रहा है, एकदम वॉरियर लाइफ पर्सनैलिटी है। मीन्स आप में इतनी हिम्मत है कि आप सामना कर सकते हैं, आप में इतनी ज़्यादा हिम्मत है कि अपने प्यार के लिए खड़े हो सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं, दूसरों के खिलाफ जा सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो एकदम वॉरियर वाली जो स्ट्रेंथ है, जो विल पावर, करेज है आपके अंदर, वो बहुत अच्छी है। ये पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आपको एकदम पावरफुल पोजीशन में देखते हैं। जो नेक्स्ट कार्ड है मीन्स द डिवाइन गाइडेंस। ये जो रिलेशनशिप है एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। मींस इस रिलेशनशिप में आपकी इंट्यूशन पावर और गट फीलिंग का बहुत मेजर रोल होगा। मींस आपको अपनी गट फीलिंग को फॉलो करना है, इंट्यूशन को फॉलो करना है, जो भी आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है आपको उसे फॉलो करना है। कुछ लोगों को नंबर सिंक्रोनिसिटीज में, जैसे 11 11 12 12, ऐसे नंबर्स रिपीट होते हैं तो उन्हें उनसे गाइडेंस मिलती है। कुछ लोगों को ड्रीम इंट्यूशन, ड्रीम्स में संकेत मिलते हैं। कुछ लोगों को सडन फीलिंग, गट फीलिंग से गाइडेंस मिलती है। तो जो भी आपको गाइडेंस है इस रिलेशनशिप में आपको फॉलो करना ही करना है। दूसरी बात ये है कि ये जो पर्सन है इस टाइम में एक हैंग पोजिशन में है, द हैंग मैन। ये जो पर्सन है एक जगह रुके हुए हैं और इस ये रिलेशनशिप में आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, एकदम पॉज हैं और बस एक जगह बैठ के बस सोच रहे हैं। जैसे कि दूसरा वाला कार्ड है 9 ऑफ वांड्स कार्ड, मींस ये जो पर्सन है बस एक तरफ एक जगह आपको बैठ के देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं और हैंग्ड है, आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं, मतलब एक पॉज फेस में है। ये किसी स्पेशल चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी स्पेशल टाइम, एकदम परफेक्ट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो परफेक्ट टाइम आएगा तब वो आपसे बात करेंगे, और वो अपनी खुद की सिचुएशन में एकदम स्टक फील कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दूसरी बात है कि इस रिलेशनशिप में अनरिक्वेस्टेड लव, मींस ये जो रिलेशनशिप है ये कुछ ऐसा जा रहा है इस टाइम पे कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है, दूसरा पर्सन कोई एफर्ट ही नहीं कर रहा है, एकदम रनर चीजर की तरह जा रहा है कि एक पर्सन अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, दूसरा पर्सन बस उससे दूर भाग रहा है, मतलब वो ओपन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं, क्योंकि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं ना वो इस टाइम पे हैंग्ड है, मीन्स वो पॉज्ड है, वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन एक तरफ बैठ के बस आपको देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो कैसे, कब बात करें,
कैसे बात करें, कैसे वो आपके पर आपकी आपकी तरफ बढ़े, वो बस एक जगह अभी इस टाइम पे सोच रहे हैं। इस वजह से इस रिलेशनशिप में ना एकदम म्यूचुअल केमिस्ट्री नहीं बन पा रही है। म्यूचुअल केमिस्ट्री तब बनेगी जब वो खुद आपके पास आएंगे और ओपन कम्युनिकेशन करेंगे। सो द नेक्स्ट कार्ड है द न्यू लव कार्ड, मीन्स इस पर्सन में बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है इस रिलेशनशिप के लिए, और ये पर्सन चेंज होने वाले हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स इस पर्सन में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, और अब जो वो आपके पास वापस आएंगे ना, तो आपको उनकी तरफ से एक न्यू एनर्जी फील होगी, कुछ नयापन फील होगा, कुछ नए इमोशंस फीलिंग होंगे। मीन्स वो आपको अपनी ऐसी साइड दिखाएंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं दिखाई है। दूसरी बात है द सन कार्ड, मीन्स ये जो पर्सन है पक्की बात है आपसे प्यार करते हैं और आपकी लाइफ में आएंगे। आप उनके लिए एक सन की तरह है, मीन्स जहाँ पर भी आप जाते हैं वो आप ही की तरफ खींचे चले जाते हैं। आप उनकी ज़िंदगी में ना एक रोशनी की तरह है, क्योंकि यहाँ पे जो एक सन दिखाई दे रहा है। दूसरा ये जो हैंगमैन कार्ड है, ये भी हैंग है, पॉज है, लेकिन इसके इस हैंगमैन कार्ड के पीछे क्राउन चक्र घूम रहा है, ये भी एक सन की तरह है। मीन्स आप उनकी ज़िंदगी में ना एक गाइडेंस हैं, कि आपसे ही वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। आप उनकी ज़िंदगी में ना एक सन की तरह, रोशनी की तरह आप आते हैं, तो एकदम रोशनी आ जाती है उनकी ज़िंदगी में। सो ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर इनकी तरफ से मैसेज देखना चाहें तो ये आपको एक डेट पे ले जाना चाहते हैं, लेट गो आउट एंड डेट मी, मीन्स ये आपसे कह रहे हैं कि चलो कहीं मिलते हैं, डेट पे चलते हैं। एंड जो दूसरा मैसेज है, यू आर माई वर्ल्ड एंड आई मिस यू लाइक हेल, मीन्स वो आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और यू आर आप भी उनकी दुनिया है। वो आपसे एक सीरियस कमिटमेंट चाहते हैं इस टाइम पे। जब भी वो वापस आने वाले हैं तो वो एक न्यू एनर्जी और एक न्यू फोर्स के साथ एक न्यू बिगनिंग लेकर वापस आएंगे, और एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो सबसे खास रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप है दोस्ती का। द फ्रेंडशिप इज़ अ रेनबो बिटवीन टू हार्ट्स। सो आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो केमिस्ट्री पहले नहीं बन पाई थी वो इस न्यू एनर्जी एनर्जी चेंज होते के साथ ही, जैसे ही एनर्जी चेंज होगी वो केमिस्ट्री वापस आ जाएगी, बहुत फ्रेंडशिप वापस आ जाएगी, और एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप वो आपसे चाहते हैं। इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और बस एक जगह रुक के आपके बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं, लेकिन आपसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, क्योंकि मे भी हो सकता है उनकी लाइफ में कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही हो, कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा हो, फैमिली इशू चल रहा हो, या उन्होंने पास में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से वो अभी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, मीन्स हैंग्ड है, बस एक जगह रह के आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द द बिग यस आपकी आपकी लाइफ में वो वापस आएंगे। सो थैंक यू सो मच जिसने एंजल नंबर 12 को चुना है, और आप बहुत जल्द डेट पे जाने वाले हैं। आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। अगर आप कोई स्पेशल गिफ्ट अपने लिए या उनके लिए ख़रीदना चाहते हैं तो गिफ्ट्स के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं जिसने एंजल नंबर 9797 को चुना है, कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं इस टाइम पर। ये जो पर्सन है, दिस कुड बी अ वन, जो भी है ये जो भी पर्सन आपके दिमाग में चल रहे हैं, ये इस टाइम पे आपको रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, मीन्स आपको पहचान चुके हैं कि आप ही इनका ट्रू लव हो, आप ही इनका ट्रू सोल कनेक्शन हो, और आपको भी ये बात पहचान लेनी चाहिए कि यही यही आपके लिए सच्चे प्यार हैं। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, मीन्स दिस कुड बी द वन, यू ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर इन योर लाइफ, मीन्स आप इनसे पहले से मिल चुके हैं। दूसरी बात ये है द ट्रस्ट, आपको इस तरह इस कनेक्शन में ट्रस्ट इशू है, मे भी आपको उन पे पूरी तरह ट्रस्ट नहीं है, उनको आप पे पूरी तरह ट्रस्ट हो नहीं पा रहा, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फेयर है, और आप दोनों को चॉइस है कि या तो आप अपने फेयर को चुने या फिर अपने अपनी इंट्यूशन पावर को चुने और इस कनेक्शन पे ट्रस्ट करें, क्योंकि इस कनेक्शन पे ट्रस्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल है आपके लिए कि यही है वो, मे बी क्योंकि ये पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा अलग है। दूसरा जो कार्ड है, द कार्ड ऑफ द अर्ध नारेश्वर कार्ड, मीन्स दिस कुड बी वन एंड द अर्ध नारेश्वर कार्ड। सो द टेम्परेंस कार्ड, ये जो पर्सन है ये आपके ट्विन फ्लेम है,
या कोई डीपली सोलमेट कनेक्शन है, यू बोथ आर वन सोल इनटू टू डिफरेंट बॉडीज, ये जो कनेक्शन है इस कनेक्शन में आपको एक तरीके का यूनियन क्रिएट करना होगा। द टेम्परेंस कार्ड, दो बार टेम्परेंस कार्ड आया, मींस ये जो कनेक्शन है इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट, बहुत ज़्यादा शांत रहना होगा, उनका बहुत पेशेंटली वेट करना होगा। और इस कनेक्शन में आपको सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा आप अपने आपको कंट्रोल करेंगे ये कनेक्शन वर्क करेगा। दूसरी बात है, इस कनेक्शन में आपको एक मिंगलिंग की ज़रूरत है, मींस अपने अंदर की एनर्जीज़ को बैलेंस करिए। हर इंसान के अंदर मस्कुलिन और फैमिनिन एनर्जी होती है, तो अपने अंदर की मस्कुलिन और फैमिनिन एनर्जी को मिंगल करिए, अपने ब्रेन के अंदर यूनियन क्रिएट करिए, तब आप इस पर्सन से फिजिकल प्लेन में रियूनाइट हो पाएंगे। जब तक आप अपने खुद की एनर्जीज़ को, अपने अंदर की मस्कुलिन और फैमिलिन एनर्जी को मर्ज नहीं करते, एक नहीं करते, ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। सो अपनी एनर्जीज़ को मर्ज करिए, मेडिटेशन करिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करिए, और जितना ज़्यादा ध्यान लगाइए और अपने दिमाग को शांत करिए, हीलिंग वर्क करिए इस रिलेशनशिप के लिए। क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है, द गॉडेस ईसी मैजिक मैनिफेस्टेशन, इस रिलेशनशिप को आप ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके अंदर, आपके माइंड के अंदर यूनियन नहीं होगी, अगर आपके अंदर की मस्कुलिन और फैमिलिन एनर्जी अगर सेपरेटेड है तो बाहर भी सेपरेशन फेस होगा, लेकिन अगर आपकी एनर्जी यूनियन में है तो बाहर भी यूनियन मैनिफेस्ट होगा। सो मैनिफेस्ट करना आपके आपके अंदर है कि आपको ही इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है द मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू, मीन्स अपने सपनों को सच करना, और ये आप मेडिटेशन करके ही कर सकते हैं। दूसरी बात है, ये जो पर्सन है इस टाइम पे द कलरलेस एंजल, मीन्स ये रिलेशनशिप में आप ही को वर्क करना है। ये जो पर्सन है एकदम डल एंजल की तरह बैठे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा निराश, परेशान, डिसअपॉइंटेड और एक काइंड का डिप्रेशन मुझे दिख रहा है इसमें, कि इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपके पास आए नहीं आए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं क्या बोलूँ, मैं क्या करूँ, करूँ नहीं करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन्हें। और ये बहुत ही ज़्यादा एक डार्कनेस में, बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस टाइम पर, बहुत ही ज़्यादा दुखी। सो ये कोई वर्क कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मुझे एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी नज़र आ रही है इस पर्सन के लिए। सो ये जो पर्सन है, आप इनकी लाइफ में एक स्टार की तरह है, मींस आपको देखकर ये आगे बढ़ते हैं। लेकिन स्टार कार्ड एक तरीके की होपिंग और विशिंग है, मींस ये पर्सन सिर्फ विश करते हैं, ये एक्शन नहीं कर रहे, मींस कोई कर्म नहीं कर रहे, कुछ एक्शन नहीं उठा रहे आपके पास आने का, कुछ कर नहीं पा रहे। ये बस एक जगह, जैसे स्टार को हम दूर से देख के होप करते रहते हैं कि जैसे कि वो भी हमारी लाइफ में आ जाए, तो ये इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है, ये बस एक जगह बैठ के आपको देखते रहते सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, बस आपको देखते ही रहते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है। क्योंकि इस रिलेशनशिप में सारी पावर आपके पास है, द गॉडेस ऑफ ईसी। अगर आप अपनी जर्नी को इनके साथ करना चाहते हैं तो अपनी एनर्जीज़ को मिंगल करें, अपनी मस्कुलिन और फैमिलिन एनर्जी को बैलेंस में लाएं, यूनियन में लाएं, तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। द फोर ऑफ पेंटिकल मींस ये जो पर्सन है अभी भी बस सोच रहे हैं, कलरलेस एंजल की तरफ बैठ के सोच रहे हैं, और इनके खुद के मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात है, ये इनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है, आई फील अलोन विदाउट यू, कि वे जैसे कि मैंने कहा कि ये अकेले बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, तो बहुत ज़्यादा अकेलापन, सैडनेस महसूस कर रहे हैं। और जो दूसरा वाला नंबर, वो भी इसी बात को आता है कि ड्रीम्स मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स एंड मेक इट ट्रू। सो ड्रीम मैनिफेस्टेशन वाला मैसेज है, और गॉडेस ईसी है, मींस आप ही अपने सपनों को सच कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप आप ही के कंट्रोल में है, आप ही के पास इतनी पावर है कि आप इस रिलेशनशिप को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड विल यू मैरी मी, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये खुद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, शायद ये बात आपसे वो बोल ना पाए। द डीपली इमोशनल, जैसे कि आपसे शादी करना चाहते हैं और एक डीपली इमोशनल है आपको लेके, और इनका जो नेक्स्ट मैसेज है वो भी यही है कि आई कांट लिव विदाउट यू, कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, या मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, आपके बिना मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ लेकिन, या करना चाहता हूँ लेकिन मेरी सिचुएशन ऐसी है, मैं खुद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ कि मैं आपकी तरफ नहीं आ सकता। सो जो भी आपको करना है, आप ही को ये मैनिफेस्टेशन करनी है, आप ही को अपने आप को हील करना है,
अपनी एनर्जीज को मिंगल करना है, अपने अंदर ब्रेन के अंदर यूनियन क्रिएट करनी है और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है. सो मुझे ये बहुत ज़्यादा डीपली स्पिरिचुअल कनेक्शन लगता है. सो ये पर्सन आपको एक स्टार की तरह मानते हैं और आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये सारे मैसेजेस देना चाहते हैं, लेकिन वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो आपको दे सके. सो थैंक यू सो मच जिसने ये वाला पाइल चुना है. होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल हो. सो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं. और अगर आप इस वैलेंटाइंस डे पे अपने लिए कोई गिफ्ट लेना चाहते हैं या उनको कोई स्पेशल गिफ्ट देना चाहते हैं तो जो इस गिफ्ट्स के लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं. सो थैंक यू. नाउ देखो जिसने पाइल नंबर 3 यानी कि एंजल नंबर 18 को चुना है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं. ये जो पर्सन है इनके लिए आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह हैं और दूसरा है हाई प्रिस्टेस कार्ड. मींस ये आपको एकदम क्वीन या किंग के फॉर्म में देखते हैं. एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा जनरॉस है, मींस जो बहुत ही दिल का बड़ा है और हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता है, हमेशा जो दिल से प्यार करते हैं, सेम एकदम रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल फॉर्म में देखते हैं. द हाई प्रिस्टेस, द फॉर्म ऑफ शक्ति, मीन्स ये आपके दिल से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और आपको एकदम मैच्योर पर्सन की तरह देखते हैं. एक ऐसा पर्सन जो हमेशा जिसका दिल बहुत ज़्यादा बड़ा है, एक पेंटिकल हाथ में लिए हुए, जो हमेशा देने के लिए रेडी है, जो हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी है, बिना किसी बेनिफिट्स के जो दूसरों की हेल्प करते हैं. दूसरी बात है, आपको ये एकदम स्पिरिचुअल पर्सन की तरह देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ही लविंग, केयरिंग और नर्चरिंग है. सेम टाइम पे ये भी जानते हैं कि आपका गुस्सा काफ़ी तेज है. ये इनके मन में थोड़ा सा डर लगता है आपके गुस्से को लेकर, क्योंकि शायद आपका गुस्सा ऐसा है जो आप गुस्से में किसी को हर्ट कर देते हैं, तो ये आपके गुस्से को लेकर थोड़े से डरे हुए रहते हैं आपसे. दूसरा कार्ड है द ऑब्सेशन कार्ड्स. मीन्स ये जो पर्सन है कंटिन्यूसली आपको मॉनिटर करते रहते हैं, एक तरीके का स्टॉक करते रहते हैं, देखते रहते हैं, इनका फोकस आप ही की तरफ रहता है. ये कुछ भी कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन सोच ही आपके बारे में ही रहे हैं, कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचे जा रहे हैं. सेम आप भी ऐसे ही करते हैं, आप कुछ भी कर रहे हो पूरा दिन, लेकिन आपके दिमाग में ये चलते रहते हैं, चलते ही जा रहे हैं. दूसरी बात है कि ये पर्सन एक तरीके के स्ट्रॉन्ग फेस में अभी चल रहे हैं. इनकी ज़िंदगी में ना तूफान आया हुआ है, तूफान, बहुत ज़्यादा तूफान आया, बहुत सारी चीज़ें टूट के भी खड़ी है, कोई फाइनेंशियल लॉस चल रहा है, कोई फैमिली लॉस चल रहा है, बहुत ज़्यादा लॉसेस में और एकदम स्ट्रॉन्ग फेस में चल रहे हैं इस टाइम पे. और दूसरा कार्ड भी एकदम लॉस वाला कार्ड है. मीन्स जैसे कि ये जो पर्सन है इतने ज़्यादा दुखी हैं और जो जितनी चीज़ें लॉस हुई हैं बस लॉस पर ही फोकस कर रहे हैं इस टाइम पे, और आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट और गिल्ट फील कर रहे हैं. शायद इनसे पास में कोई गलती हो गई है काफ़ी बड़ी, मे बी शायद इन्होंने आपको धोखा दिया है, चीट किया करा है इंटेंशली, या फिर कुछ आपके बीच में झगड़ा हुआ है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा बोल दिया, इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया, तो एक तरीके का जो लॉस है ना वो इस रिलेशनशिप में मुझे देखने को मिल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं, रिग्रेट में है. दूसरी बात है फॉरगिविंग एंड लर्निंग. मीन्स आपको इन्हें माफ़ करना होगा, आपको इन्हें माफ़ी देनी होगी. मे बी इन्होंने आपको पास में हर्ट किया, जो भी गलतियाँ इनसे हुई है इन्हें आपको माफ़ करना होगा. ये माफ़ी चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दें और इन्हें एक और चांस दें. इट इज़ सेफ़ टू लव यू. आपका इनसे प्यार करना बहुत ज़्यादा सेफ़ है, इनका आपसे प्यार करना बहुत ज़्यादा सेफ़ है. बस आप दोनों को अपना हार्ट चक्र ओपन करने की ज़रूरत है, बिकॉज मुझे इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा पेन नज़र आ रहा है. मे बी आपके दिल में बहुत ज़्यादा पेन है, तो उस पेन को रिलीज़ करें, अपने हार्ट चक्र को अवेकन करें और इन्हें माफ़ करें. दूसरी बात ये है कि द हायर लर्निंग. मीन्स ये जो रिलेशनशिप है आपको एक बहुत एक्सपीरियंस दे रही है, मीन्स बहुत सारे एक्सपीरियंस हो रहे हैं और इन एक्सपीरियंस से आप सीखेंगे. मे बी इस पर्सन से आपको टफ एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस आपको सिखाएंगे, ये सब लर्निंग है, ये आपके प्रोसेस में है. दूसरी बात है ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं. इनका पहला मैसेज है आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. दूसरा ये है कि
थैंक्स फॉर एवरीथिंग मीन्स मे बी आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, तो ये आपको थैंक्स कहना चाहते हैं जो भी आपने एफर्ट इस रिलेशनशिप के लिए करें, जो भी प्यार आपने इनको दिया है उन सभी के लिए थैंक यू सो मच। और दूसरा मैसेज है लेट्स हैव सेक्स, मीन्स मे बी ये पर्सन आपको सेक्सुअली फैंटिसाइज करते हैं, एक सेक्सुअल यूनियन चाहते हैं, आपसे फैमिली चाहते हैं, ये आपको बहुत ही ज़्यादा आप इनके लिए अट्रैक्टिव हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे क्वीन और हाई प्रेस्टेज देख रही हूँ, तो ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं ये आपसे फिजिकली। और दूसरी बात है द बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, मीन्स ये एक बहुत अच्छी दोस्ती चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप अपनी इनकी सिचुएशंस को समझें, इनकी गलतियों को माफ़ करें और उन्हें एक और चांस दें। द नेक्स्ट इज द डिवाइन यूनियन, द परफेक्ट बैलेंस ऑफ ऑपोजिट एनर्जी, मीन्स इस रिलेशनशिप में भी आपको अपने अंदर की एनर्जीज को बैलेंस करना होगा, पहले अपने आप को हील करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा, तभी ये रिलेशनशिप भी वर्क करेगा, क्योंकि ये भी एक बहुत ही गहरा सोलमेट रिलेशनशिप है, सोल लेवल पर रिलेशनशिप है। सो थैंक यू सो मच जिसने ये वाली रीडिंग चूज़ करी है, होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आप कोई गिफ्ट्स लेना चाहते हैं इस वैलेंटाइन डे के पे उनके लिए या अपने लिए या किसी फ्रेंड्स के लिए, तो मैंने कुछ गिफ्ट्स लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप उनमें से खरीद सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।